प्रेज द लॉर्ड। आज हम वचन की तरफ थोड़ा जाने वाले हैं और उस वचन की तरफ जाएंगे जहाँ पर परमेश्वर मिस्र देश के साथ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में चलता है। ओके, हम उस वचन की तरफ देखेंगे। एक्सोडस में जाएंगे, निर्गमन में पहला अध्याय, उसका 6-7 वचन पढ़ेंगे। और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, और इसराइल के संतान फूलने फलने लगी, और वे अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। इसके पहले 5 वचन को भी पढ़ेंगे। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था, याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। अब यहाँ मिस्र देश में इसराइलियों का आना, ये उनके बाप दादाओं का वहाँ पर रहने की वजह से हुआ। इसराइली जो बच्चे थे, जो उनके संतान थे, जो फलने फूलने लगी थी, 7 वचन में लिखा है, वो फलने फूलने वाली जो इजरायली संतान थे वो वहाँ पर उनके बाप दादाओं के बाद में जन्मे हुए हैं। ठीक है, तो वो जन्मे हैं तो वो मिस्र में ही जन्म लिए, क्योंकि उनके बाप दादा मिस्र में बैठे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर वो इतने फलने फूलने लगे, मतलब यहाँ 7 वचन में क्या दिखाई देता है कि उनके ऊपर कोई परेशानी नहीं थी, उनको अपोज करने वाला समय नहीं था। ओके, और वो मिस्र में है, मिस्र देश में है, फिर भी उनको अच्छे से आगे बढ़ने का रास्ता मिला। उसका मूल कारण क्या था? यूसुफ उसका मूल कारण था, क्योंकि यूसुफ को उसके भाइयों ने उठाकर गड्ढे में डाला था, वहाँ से मिस्री लोगों ने उसे खरीद लिया था गुलाम बनाने के लिए। वो गुलाम होने के लिए गया वहाँ पर, और वहाँ से वो यूसुफ जो है वो एक बादशाह के मुख्य ऐसे प्रधान पोजीशन में उसकी नौकरी शुरू हो गई, और उसके ऊपर बादशाह का, मिस्र के बादशाह का फेवर आ गया। ओके, अब ये फेवर आया और उसने मिस्री लोगों को एकदम जो बहुत मुश्किल का समय था, जो जहाँ पर सब कुछ जो अनाज है सब कुछ ख़त्म होने की स्थिति थी, और अकाल जिसे कहते हैं वो समय था, और उस समय को लेके यूसुफ ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। ओके, और वो मैनेजमेंट करने के वक्त में उसका जो माइंड में जो परमेश्वर ने दिया हुआ ज्ञान बुद्धि समझ था, और जो ड्रीम का, ओके, उसने जो बादशाह है उसको ड्रीम का अर्थ बताया, जो अर्थ निकला उसके बारे में सब कुछ वैसा ही होने जा रहा था। तो ये एरिया ऑफ लाइफ जो यूसुफ का हम देख रहे हैं, उसका जो याकूब के साथ दिलो जान का संबंध था, ओके, याकूब उसके पिता थे और यूसुफ को उसके पिता से बहुत बहुत ही अलग लेकर गए, और याकूब को तड़पाया गया, याकूब को उसके पत्नियों ने भी तड़पाया। ओके, राहेल और लिया के पिताजी ने, जिसको याकूब पसंद करता था उसको वो नहीं दिया। ओके, याकूब राहेल को पसंद करता था, उसको लिया दे दिया, और फिर राहेल को प्राप्त करने के लिए उसको और 7 वर्ष गुलामी करनी पड़ी। तो याकूब के ऊपर जो प्रकार का एक रास्ता देखते हैं हम, वो मेहनत का रास्ता था और परेशानी का रास्ता था। ओके, यूसुफ को उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन यूसुफ को उसका कोई परेशानी नहीं था। जो तड़पना, वो जो पेनफुल टाइम था, वो याकूब को देना था। ओके, तो उसके बच्चों ने यूसुफ को गुमराह कर दिया। ओके, यूसुफ को अलग कर दिया पिता से, तो यूसुफ तड़पा नहीं, क्योंकि यूसुफ को आगे बढ़ना था, वो आगे बढ़ता गया। और तड़पा कौन? याकूब, क्योंकि जब याकूब को
को और एक उसका बिन्यामिन जो उसका बेटा था उसको भी मांग लिया गया और बोला कि अगर तू उसे नहीं देगा तो यूसुफ जो है उनको अनाज नहीं देने वाला है। ऐसा जब कहा गया तो उसका याकूब जो पिताजी है बच्चों के वो काफी परेशान हो गया। उसने कहा यूसुफ को तो तुम लोगों ने गुमराह कर दिया, मेरे से अलग कर दिया, अब ये बनियामिन को लेकर जा रहे, यहाँ पर भी हमारा मेरा ही मन तड़पने वाला है। ओके, और यूसुफ का मन का जो तड़पना है वो अगर हम पीछे और मुड़ कर देखेंगे तो उसके ससुर ने भी उसको तड़पाया, फिर उसके मम्मी ने उसको तड़पने के रास्ते में मतलब लीड किया, गाइड किया, उसने एसाव के हक को छीन लिया। ओके, वो अलग प्रकार से उसने अपना पहरावा पहना और परमेश्वर का जो आशीष एसाव के लिए था वो पहलौटे का आशीष यूसुफ पर आ गया। ये एक लिखी लिखी बातें हैं यूसुफ के लाइफ के बारे में, ये एक लिखी लिखी हुई एक ऐसा स्टोरी है परमेश्वर की ओर से। ओके, याकूब के लाइफ की, यूसुफ के नहीं, याकूब के लाइफ की, कि तड़पना याकूब के लाइफ में लिखा हुआ है। ओके, याकूब का जो भी काम वो मन उसका बैठाता है उसके उसके हाथों से वो अलग दिशाओं में भटका दिया जाता है और फिर उसको वो प्राप्त करने की मेहनत करनी पड़ती है। तो पेन जो है, अफ्लिक्शन जो है, परेशानी जो है, वो याकूब के लिए थी। तो याकूब के दिलो जान से लगी हुई राहेल थी। ओके, याकूब के दिलो जान से लगा हुआ जो चीज था वो धर्म के रास्ते थे, परमेश्वर का भय था। ओके, याकूब के दिलो जान से लगा हुआ यूसुफ था, क्योंकि यूसुफ और बनियामिन राहेल की ओर से थे और इसके लिए उसको वो ज्यादा मायने रखते थे, इम्पोर्टेंस रखते थे। ये सब देखने के बाद में याकूब पेनफुल में था, यूसुफ नहीं। ओके, यूसुफ अपने आगे निकल गया, वो वहां पर मिस्र देश में उसके काम करने लगा और वहां पर उसकी एक पोजीशन, हाई पोजीशन में वो चढ़ आया परमेश्वर की कृपा और दया के कारण। और फिर बाद में वहां पर ये सब जो उसके भाई थे वो सब इकट्ठे वहां पर हो गए, यूसुफ ने उनको संभाला, जमीन दी और जो बादशाह का मिस्र देश में फेवर है वो फेवर भी ये भाइयों को मिला, उसके पिताजी जो याकूब थे उनको उसको उसके बारे में भी वो पूरा हुआ, हर एक चीज उसके बारे में, सब कुछ को इसराइल लोग यूज किए, वहां पर उनको कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, उनके लिए कोई प्रकार का डर नहीं था, उनको अनफेवर करने वाले लोग नहीं थे, उनको इज्जत देने वाले लोग थे, उनको मानने वाले लोग थे, उनकी रखवाली करने वाले लोग थे। ओके, उनको भले भले दिनों से तृप्त होने के समय में रखने वाले लोग थे। ओके, उनकी कोई बात को वो छीना छानी नहीं करते थे, कि बात को वो उलट पुलट नहीं कर रहे थे। ओके, लेकिन ऑपोजिट पार्टी वहां पर थी, मिस्री थे वो लोग। ओके, इवन जब यूसुफ और मिस्री लोग इकट्ठे खाना खाने बैठते थे तो मिस्रियों का खाना अलग रहता था और यूसुफ लोगों का खाना अलग रहता था, इसराइलियों का, वो लेकिन इकट्ठे बैठते थे लेकिन उनके खाने को मिलने मेल नहीं करते थे। ओके, उनके खाने को इकट्ठे में बांटा नहीं जाता था, उनको अलग से रखते थे और यूसुफ अलग से अपने खाने को लेता था, लेते थे ये इसराइली लोगों के लिए। और इसके बीच में यूसुफ ने खुद ये बोला कि ये इसलिए क्योंकि मतलब यूसुफ के वक्त में जो पढ़ने को मिलता है वो उसमें से हमको मालूम पड़ता है कि मिस्री लोगों को यूसुफ लोगों का जो खाना होता है उसमें कोई कोई चीज़ें हैं जो मिस्री लोग उसे अशुभ मानते हैं। ओके, अशुभ मानते हैं, उसको अशुद्ध मानते हैं, अशुभ मानते हैं, शुभ नहीं रहता है उनके लिए वो, इसकी वजह से वो यूसुफ लोगों के खाने में मिले हुए खाने नहीं खाते हैं। ओके, वो डिफरेंट रहते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि यूसुफ, ये जो इसराइल का घराना अभी संतान है, यूसुफ के कारण वहाँ फलता है, फूलता है,
सामर्थी बनते चले गए, यानी कोई कोई छल नहीं, कोई रुकावट नहीं, फलने फूलने में कोई बाधाएं नहीं, खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उठने बैठने में कोई कहीं लिमिटेशन नहीं, कोई प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस नहीं, कहीं आने जाने में रेस्ट्रिक्शन नहीं, बढ़ते बढ़ते जाने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, बढ़ते बढ़ाने में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, और उनके आइडियाज़ को वो सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनके आइडियाज़ को वो प्रमोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनके आइडियाज़ का इज्जत किया जाता है, उनके आइडियाज़ के खिलाफ नहीं जाते हैं, उनके थॉट्स के खिलाफ नहीं जाते हैं, जबकि ऑपोजिट पार्टी है उनके जगह में जो मिस्री है। आया समझ में? लेकिन फिर भी फेवर यूसुफ ने वहाँ से कलेक्ट किया और ये इसराइलियों पे आया, तो फिर यहाँ पर इसराइली लोगों का लाइफ काफ़ी हद तक फैलता फूलता फलता गया, आराम का जिंदगी, ओके, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ बढ़ रहा है, ओके, सब कुछ बढ़ रहा है, उनके अनाज बढ़ रहे हैं, खेती बढ़ रही है, उनके जो घर गृहस्थी है बढ़ रही है, उनके बाल बच्चे बढ़ रहे हैं, उनके प्रमोशंस हो रहे होंगे, उनका फाइनेंस बढ़ रहा होगा, ओके, उनके बच्चे अच्छे तरह से अच्छे पोजीशंस में रुके, अच्छे चल रहे हैं, ओके, सब कुछ सामर्थी, सब कुछ फलते फूलते चलता गया आगे। आया समझ में? अब यहाँ उनको परमेश्वर को याद करने का कोई ज़रूरत नहीं था, यहाँ उनको परमेश्वर को आवाज़ लगाने का कोई ज़रूरत नहीं था, ओके, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर का आवाज़ लगाने का उनको कभी ज़रूरत पड़ा। जब मिस्र देश में डर पैदा हुआ कि इज़राइल लोग इतनी बढ़ रही है, इतनी उनकी जाति फलती फूलती जा रही है, इतने सामर्थी बनते जा रहे हैं कि उनकी बात आगे जाए तो मिस्री को भी अपने आप को नाप तौल कर, अपने आप को झुका कर उनके सामने अधीन होना पड़ता है, इज्जत देना पड़ता है, आदर देना पड़ता है, क्योंकि यूसुफ ने बादशाह का मन जीता है। मेन एलिमेंट जो है, मेन इंसान जो है उस मिस्र देश का, वो है बादशाह, ओके, वो बादशाह के मन को खींच लिया है यूसुफ ने, खत्म बात। बादशाह अगर यूसुफ के इसराइलियों को संभाल रहा है तो फिर बादशाह की बादशाहत में जो प्रजाएं हैं, मिस्री प्रजाएं हैं, उनका तो वो अधीन होना ज़रूरी है, इसराइलियों को इज्जत से रहने देना ज़रूरी है, ओके, तो यहाँ पे मिस्री लोगों के बीच में जब बादशाह चेंज हो गया, तब वो बादशाह को ये समझ में आया कि ये मिस्री लोगों को तो पहले वाला जो बादशाह था उसने इसराइलियों को तो काफ़ी फेवर किया मिस्री लोगों में, लेकिन अब इनकी सारी जो बढ़ोतरी है ये मेरी समझ में तो आ रहा है कि हम मिस्रियों के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे ऊपर भी चढ़ाई कर सकते हैं, इनका आदर बहुत काफ़ी बढ़ गया है और इनको फ्रीडम काफ़ी मिल चुका है, ओके, तो ये डर अगला जो जनरेशन आया वो मिस्री देश में, वो जनरेशन में जो बादशाह था उस बादशाह ने ये बात को सोचा, ठीक है, तो वो बादशाह ने सोचा ये कि ये लोगों को इनके स्ट्रेंथ को कम करने की ज़रूरत है। आया समझ में? इनके स्ट्रेंथ को लिमिट करने की ज़रूरत है, ओके, अगर इनके ताकत को कम नहीं किया, इनके बाल बच्चों को ज़्यादा उत्पन्न होने नहीं दिया, इनके घर गृहस्थी को ज़्यादा मात्रा में फ्रीडम नहीं दिया, तो ये सिकुड़ते जाएंगे, ओके, इनकी जो फैला हुआ इनका लाइफ है ये सिकुड़ता जाएगा, ओके, और सिकुड़ता गया हुआ जो इनका कमज़ोर अवस्था हो जाएगा, और फिर अगर इनको कोई कहेगा कि ये करना नहीं है, ये नहीं करना है, ये करना है, तो वो अपनी मेजॉरिटी को देखेंगे कि हम इतने ही हैं और हमको इनका मानना चाहिए, ओके, तो इनके अंदर की वो ताकत का पीछा किया था, ओके, मिस्र के जो बादशाह था उसने आइडिया किया कि इनके अंदर का जो फाउंडेशन है, इनके अंदर की जो
हैसियत है उसको जरा नीचे खींच लो, उसके लेवल जरा घटा दो, ओके? उसके अंदर की ताकत जरा ढीली कर दो, कमजोर कर दो। ये आइडिया था मिस्र देश का, ओके? ये आइडिया था इजराइलियों को कमजोर करने की, ये एक आइडिया थी को इजराइलियों का फ्रीडम डरा रहा था, ओके? फलता फूलता फ्रीडम, सामर्थ्य बनते जा रहा फ्रीडम डरा रहा था कि वो उनके देश को कब्जा ना कर ले और मिस्रियों के ऊपर वो बादशाह ना ले, या फिर मिस्रियों के खिलाफ अपनी एक देश बना ले, प्रजा बना लेगा और फिर मिस्रियों के खिलाफ फाइट करेगा, ओके? ये उसका डर था। लेकिन किसको ये डर आया? यूसुफ जिसके बादशाहत में था, उस बादशाह को नहीं, यूसुफ के बाद में जो बादशाहत आई वो बादशाहत को ये डर लगा, ओके? तो इसका एक एरिया ऑफ लाइफ आपको समझ में आना है कि सताने वाला जो इंसान है उसके जो दिमाग है वो पहले वाला जो बादशाह था जिसको यूसुफ ने बहुत भले तरीके से उसके बादशाहत में फायदे करा के दिए थे, वो बादशाह का हार्ट जो था वो हार्ट ये बादशाह के अंदर नहीं है जो अगले लेवल में आया है, ओके? अगले जनरेशन में आया है, उसके पास ये हार्ट नहीं था, क्योंकि उसने वो भलाइयों को यूसुफ के नहीं देखा था, उसने सिर्फ कही सुनी बातें थी। इसीलिए हार्ट के ऊपर से वो डेप्थ जो इसराइलियों को फेवर देने के लिए होना चाहिए था वो हार्ट अभी नहीं रहा, ओके? तो जब आपको कोई सता रहा है, जब आपको कोई परेशान कर रहा है, जब आपको कोई कमजोर कर रहा है, तो वो एक आइडिया लगा के आपके कोई एक हिस्से को पकड़ता है, ओके? कमजोर करने के लिए आपका कोई तो एक एरिया ऑफ लाइफ है जो उसको डरा रहा है। समझ में आया? वो एरिया ऑफ लाइफ को वो देख रहा है, अगर ये एरिया ऑफ लाइफ ये इन लोगों में रहते रहे तो फिर ये लोग हम पर हावी हो सकते हैं, हमारा कुछ छीन लिया जा सकता है, या हम पर ये लोग आक्रमण कर सकते हैं। कोई तो एक डर है, उन्होंने वो देखा है, ओके? उनकी समझ में वो आया है, ओके? तो कोई भी इंसान आपको फालतू में नहीं सताता है, कोई इंसान बिना वजह से आपको नहीं सताता है, चाहे वो वजह आपको समझ में नहीं आया। अब ये वजह जो है ये इज़राइल को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इज़राइल मिस्र के बारे में ऐसा नहीं सोच रहा था, ओके? वो अपना एंजॉय कर रहा था लाइफ को, वो अपने परमेश्वर के आराधना में, परमेश्वर के फेवर में, परमेश्वर का सब बातों में वो फलते और फूलते जा रहा था, वो अपने में मगन था। वो मिस्र के साथ अपोज करने वाला ऐसा कोई माइंडसेट लेके नहीं फल रहा था कि मैं इतना फलता जाऊंगा फलता जाऊंगा और फिर मैं मिस्र को चढ़ाई करके ले लूंगा, इस तरह का उसका माइंडसेट नहीं था। उसने अपना फ्रीडम अपनी जिंदगी को फैलाने में, फुलाने में और परमेश्वर की महिमा के लिए चढ़ता गया वो ऊपर, ओके? लेकिन उनकी ये जो अवस्था थी, ये उस वक्त का जो बादशाह था, नया बादशाह था, उसके समझ में आ गया था कि ये अवस्था तो मेरे मिस्री लोगों के लिए बहुत कठिन होने वाली है। ये अवस्था में ये इसराइलियों को रुकना चाहिए और रोकने का कोई एक अवस्था निर्माण करने की जरूरत है। तो कौन से तरह से करे, ओके? किस तरह से करे, कैसा क्या करना पड़ेगा, ये आइडिया है, ये थॉट्स है, ओके? ये इमेजिनेशन है, ये सीक्रेट है उनके दिलो दिमाग का, उनके नॉलेज विजडम अंडरस्टैंडिंग का ये सीक्रेट है। वो सीक्रेट को उन्होंने वो यूज करना स्टार्ट कर लिया, ओके? उन्होंने यूज किया, उन्होंने इसराइल लोगों को पनिश करना शुरू किया, उनको बहुत ज़्यादा काम दिया, बोझ दिया उनके ऊपर, और फिर उनके ऊपर उन्होंने इतना दबाव डाला कि वो एकदम मर्सीलेस तरह से,
मर्सीलेस तरह से उनको दबाने लगे, मर्सीलेस तरह से उनसे काम करवाने लगे। उनको सोचने का मौका नहीं मिल रहा था। उनके शरीर की अवस्था इतनी थका दी गई थी कि वो फलने फूलने की तो सोचना ही छोड़ देंगे, सामर्थी बनने का तो उनको आइडियाज ही नहीं आएगा। उनके पास अगर कुछ है दिमाग के अंदर तो इतना ही है कि ढेर सारा काम पड़ा है, कल को ये पूरा करना है, अब इस वक्त क्या करना है, अब अगली बार के लिए क्या करना है, ये काम को कैसे पूरा करना है, वो काम उनका फोकस हो गया। आया समझ में? तो आपके अंदर का एक एरिया ऑफ लाइफ शैतान पकड़ लेता है और आपको उसके फोकस में अटका देता है कि आप हमेशा यही सोचेंगे ये कैसे करना है, ये किस तरह से आगे जाना है, ये कैसे होगा, इसको पूरा कैसे करें, ये कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, ये तो होना चाहिए, नहीं तो ये पनिशमेंट है, नहीं तो वो होगा, नहीं तो ये होगा। आपको एक फोकस में अटका दिया जाता है। अगर आपने ऐसा कोई एक फोकस में अटक गए तो आप अपनी उन्नति नहीं कर सकते हैं। आप अपने दिमाग के अंदर फलने फूलने की सोच ला नहीं सकते हैं, सामर्थ्य बनने के आइडियाज आपके अंदर नहीं आएंगे, बढ़ चढ़ने के बहुत अच्छे से भर 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 कर एक देश बन जाने का ऐसा माहौल आपके लाइफ में, फैलने फूलने का लाइफ नहीं हो सकता है जब आपका फोकस शैतान के सतावट में, शैतान के छल में फंसा के रखा है कि उसको कैसे फाइट करे, उसके बारे में क्या करे, उसको कैसे फाइट करे, उसके बारे में क्या करे, अगर ये नहीं किया तो ये हो सकता है, अगर वो नहीं किया तो वो हो सकता है, इसको कैसे पूरा करे, इसको इससे बचने के लिए क्या करे, इसके बारे में क्या करे। आपका फोकस अगर इस तरह में चला गया, भूल जाइए कि आपकी उन्नति हो सकती है, भूल जाइए। अब यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर बोलता है कि मैंने ये समय ठहराया था कि वो मिस्र के अधीन हो जाएंगे और सो एंड सो टाइमिंग तक वो उसके कब्जे में रहेंगे। सो एंड सो टाइमिंग तक उसके कब्जे में रहेंगे। अब वो कब्जे में रहने के बाद में मैं उनको छुड़ाने के लिए जाऊंगा। तो उसका टाइमिंग सेट किया गया था इज़राइल लोगों का, और वो इज़राइल लोग नहीं जानते थे कि अब ये परमेश्वर हमको जवाब क्यों नहीं दे रहा है, ये क्यों हमको सता रहा है, ये परमेश्वर हमको क्यों फलने फूलने नहीं दे रहा है, क्यों हमको सामर्थ्य बनने नहीं दे रहा, हमने क्या बिगाड़ा है मिस्री लोगों का, हमको क्यों ये इतना दबा रहे, इतना हमको परेशान कर रहे, इतना हमारे ऊपर जुल्म कर रहे, हमने क्या किया है इनका, ये जो है उनके अंदर की समझ के अंदर नहीं था कि मिस्री इनको क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मिस्रियों के दिमाग में ये था, मिस्री बादशाह के दिमाग में ये था कि वो ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो छल करने वाले के दिमाग में आपकी कोई एक एरिया ऑफ लाइफ है जिससे वो डर रहा है। आमीन। वो एक एरिया ऑफ लाइफ है जिसको देख के उसके मन में डर आ रहा है। अगर आपको उसमें ही रहने दिया तो आप खतरे बन जाएंगे उनके लिए। आया समझ में? तो ये कारण है वो आपको छलना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मिस्री लोगों ने एक काम किया, उन्होंने परमेश्वर से पुकारना शुरू किया, परमेश्वर हमको सता रहे, हमको बचाओ, तो क्यों नहीं आता है छुड़ाने के लिए, तो जल्दी आ परमेश्वर, हमको सहा नहीं जा रहा है। तो हर एक इंसान उस समय तक परमेश्वर को नहीं चिल्लाता है जब तक कि उसके ऊपर ऐसे आक्रमण नहीं आते हैं। कि वो सहन करना नहीं होगा उससे, ऐसे आक्रमण जब तक नहीं आता है तब तक ये इज़राइली लोग फलते रहे, फूलते रहे, अत्यंत सामर्थी बनते चले गए, बढ़ते गए, एक देश के समान हो गए। ठीक है, अब इतना उनका फ्रीडम में उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनको एक दिन ऐसे भी जाना पड़ेगा कि उनको परमेश्वर को पुकारना पड़ेगा, अरे तू क्या कर रहा है मेरे परमेश्वर, क्यों हमको नहीं छुड़ा रहा है तू, क्यों हमारे साथ इतनी जुल्म हो रही है, फिर भी तू हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है, तू कहाँ है परमेश्वर, तू क्यों नहीं हमको छुड़ा था। ये जब तक वो नहीं जानते थे तब तक उनका सब सिचुएशन में वो इजीली चल रहे थे। अब जब ये सिचुएशन आया तो उनका रास्ता किस तरफ मुड़ा, क्या किसी
कि भक्ति करने में मुड़ गया, जो मिस्री लोग भक्ति करते थे, क्या जादू टोनाओं की तरफ मुड़ गया, या फिर क्या उनके दिलो दिमाग से कुछ हो गया ऐसा कि हम इस तरह से करें? नहीं, उनकी डिपेंडेंसी जो अच्छे समय में परमेश्वर के ऊपर थी, तो अब संकट के भारी समय में भी उनकी डिपेंडेंसी परमेश्वर पर आ गई। आया समझ में? आपको ये डिपेंडेंसी समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर आपके आपकी डिपेंडेंसी कहाँ पर है। वो हमेशा परमेश्वर के ऊपर ही रखना है, क्योंकि संकट के समय आप उसी को दोबारा पुकारेंगे। आया समझ में? अगर संकट के समय में आप अगर जादू टोना वालों के पास या फिर कोई फालतू बातें करने वाले, काउंसलिंग करने वाले कोई किसी के पास, या कोई प्रकार के जो भविष्य बताते हैं, मून फेसेस के द्वारा जो भविष्य बताते हैं, उनके पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं, हस्त रेखाओं को देख के भविष्य बताते हैं, या आपके बर्थ डेट को देख के आपका भविष्य बताते हैं, या फिर आपका बर्थ प्लेस, बर्थ डेट, बर्थ स्टार्स देख के, आपका समय देख के, आप कौन से समय में कंसीव हुए थे, आप कौन से समय में जन्म लिए, ये सब जगहों को काउंटिंग में लाके फिर आपके बारे में बताते हैं कि ये परेशानी आपका क्यों है। क्या आप इतना एरिया ऑफ लाइफ में घूम कर आपके परेशानियों को हल करना चाहते हैं? तो फिर आप अच्छे समय में 100% है कि आपने परमेश्वर को छोड़ दिया था। परमेश्वर को अच्छे समय में आपने भुला दिया था। तो इज़राइल के बारे में एक जगह ऐसा लिखा है रोमियो के पत्रे में कि जब इज़राइलियों ने धन्यवाद करना छोड़ दिया था, जब लोगों ने परमेश्वर को धन्यवाद करना छोड़ दिया था, तो परमेश्वर ने उनको वाचा के प्रदेश में विश्राम के स्थान में जाने से भी रोक दिया। उनको जाने नहीं दिया, नाश कर दिया उनको, मार्ग में ही उनको नाश कर दिया। तो आप अच्छे समय में जब थे, क्या आपने परमेश्वर को याद रखा? क्या आपने उस समय में परमेश्वर के संगति का अनुभव रखा? क्या उस समय का आनंद उठाया परमेश्वर के आइडियाज बढ़ाकर, परमेश्वर की महिमा करके, परमेश्वर के काम करके, परमेश्वर को आराधना देकर, परमेश्वर के आराधना स्तुति प्रशंसा करके, उपवास और प्रार्थना करके, भले ही आपको कोई परेशानी नहीं है, फिर भी आप परमेश्वर का पीछा कर रहे, आप परमेश्वर के धुन में जी रहे, आप परमेश्वर को सब कुछ अर्पण करते हुए जी रहे, सब आनंद का माहौल आप परमेश्वर ही उसका कारण है ये आप डिक्लेयर करते हुए जी रहे, तो फिर संकट के समय में भी परमेश्वर ही आपका जवाब बनके कोई ना कोई भेजेगा। तो परमेश्वर को संकट के समय में जो पुकारता है, ये प्रूफ हो जाता है कि परमेश्वर ही वो है जो आपका आनंद के समय में भी आपने स्मरण रखा था। आनंद के समय में भी आपने विश्वास रखा था कि आनंद का समय आपका परमेश्वर की ओर से है। अब मिस्र देश के वक्त में जो बादशाह इनको सता रहा था, उसके साथ कैसा परमेश्वर ने फाइट किया वो हम देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद वाला वचन एक बार पढ़ के फिर आगे जाएंगे, 10 वचन। इसलिए देखो, ये 8 वचन से पढ़ती हूँ मैं, 8 वचन से मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा हो जो यूसुफ को नहीं जानता था। प्रॉब्लम क्या था ये बादशाह का? उसके साथ यूसुफ का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं था। जब आप किसी को फेवर करते हैं, जब आपको किसी के ऊपर दया आ जाती है, जब आप किसी को अच्छाई से तृप्त करते हैं, भलाइयों से तृप्त करते हैं, तो आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कहीं तो कनेक्शंस आ गया है। आया समझ में? भलाई करते हैं, दूसरे आपको फेवर करते हैं, या आप दूसरों को फेवर करते हैं, आप जानते भी नहीं है उनको, आप पहचानते नहीं है, आप उनको फेवर करते हैं, आपको लोग नहीं जानते हैं, लोग आपको फेवर करते हैं। ये जो एरिया ऑफ लाइफ है, इसके अंदर का रहस्य क्या है? इसके अंदर आपका, आपके हार्ट और उनके हार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है।
एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये एरिया ऑफ लाइफ रहता है कि इंसान एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादती नहीं करता है। ये एरिया ऑफ लाइफ रहता है कि एक दूसरे के ऊपर दुष्टता वो नहीं कर पाता है, वो पश्चाताप करता है अगर ऐसा किया तो। वो दुष्टता नहीं कर पाएगा, वो 100% दुष्टता नहीं कर पाएगा। ओनली वो इंसान जो आपके हार्ट से हार्ट कनेक्टेड नहीं है, चाहे वो अनजान इंसान रहे तो भी, हार्ट टू हार्ट अगर, हृदय से हृदय अगर कनेक्टेड नहीं है, ये बहुत गहरा सीक्रेट है। हृदय से हृदय अगर कनेक्टेड नहीं है तो वहां पर वो दुष्टता 100% करेगा। वो सीधे उसके दिमाग के अंदर गुड और बैड का सिचुएशंस अपने फेवर में कैसा करना है उतनी ही सोचेगा। उसको बोलते हैं सेल्फिश। उसको बोलते हैं स्वार्थी। आया समझ में? तो यीशु मसीह को कंपैशन आ गया, उसको लोगों के ऊपर करुणा आ गई। और वो लोगों के बारे में सोचता था, ये कैसे कैसे लोगों की अवस्था है जब वो भीड़ के भीड़ बीमार को लेकर आ रहे, सारे परिस्थितियों से मारे हुए लेकर आ रहे। तो उसको तरस आ गया, उसने देखा कि ये ऐसे भेड़ की तरह है जिनके लिए कोई चरवाहा नहीं है, और ये बिना चरवाहे के भटक रही है, तितर पितर हो रही है। तो ये जो एरिया ऑफ लाइफ था, उसका हार्ट और लोगों को मालूम नहीं है, ये यीशु सोच रहा है, लेकिन यीशु का हार्ट लोगों के हार्ट के साथ कनेक्टेड था। इसकी वजह से उसकी सोच में उनके लिए फेवर आ गया। और लोगों का हार्ट यीशु के साथ कनेक्टेड है या नहीं वो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन यीशु का हार्ट कनेक्टेड था उसके साथ। इसकी वजह से वो लोगों के बारे में अच्छाई से ही सोच के आगे बढ़ा। और हमको परमेश्वर का वचन बताता है कि लोगों ने यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाया। लोग यीशु ने जब बोला कि क्या तुम मेरा मांस और लहू, मेरा मांस खा सकते हो और लहू पी सकते हो, तो तुम्हारा भाग है मुझ में, तो लोगों ने यह सुन के रास्ता छोड़ दिया। वो पलट गए, और जो देखते थे कि ये ऐसी रोटी खिलाता है जो किसी ने पकाई नहीं है, कुछ कहीं से खरीदी गई नहीं है, फोकट में लोग तृप्त हो गए, तो सिर्फ वो रोटी के टुकड़ों के लिए वो यीशु के पीछे आ रहे थे। लेकिन जब यीशु ने बोला मेरे चेले बनना पड़ेगा तुमको, तो वो पलट कर चले गए। तो जब यीशु से कुछ फिजिकल आराम मिलता है, जो शारीरिक जीवन की परेशानियां सॉल्व होती है, वहां तक ही यीशु को अगर आप मानते हैं, तो आपका आने का कारण जो है यीशु के पास, सिर्फ आपको अपने समस्याओं से हल होना, इतना ही आपका कारण है। फिर आप उसके बाद दोबारा लौट कर जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, हार्ट टू हार्ट आप यीशु के साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन हार्ट टू हार्ट जो यीशु के साथ कनेक्टेड है, वो उसकी दया के समय भी यीशु के साथ कनेक्टेड है, और वो उसके भलाई के समय में भी यीशु के साथ कनेक्टेड है, और सब कुछ में जब संकट का समय भी आएगा तो भी वो यीशु के अलावा और कुछ नहीं चाहेगा। यीशु के अलावा कुछ नहीं चाहेगा। इज़राइल भी फिरौन के जो राज्य था, फिरौन की बादशाहत जो थी, जो प्रजा थी, उनके साथ इज़राइल के पास दिलो दिमाग बुद्धिमानी नहीं थी कि किस तरह से इनके साथ फाइट करे। क्योंकि उनके अंदर ऐसा सेपरेशन नहीं था। उनके अंदर ये सेपरेशन नहीं था कि वो मिस्र देश को कब्जा करे, वो मिस्र के ऊपर बादशाहत को ले, वो मिस्र देश को अपने कब्जे में लेकर अपना जमीन बना दे, ये उनके दिलो दिमाग में नहीं था। लेकिन ये उसके दिमाग में आया जो बादशाहत की गद्दी पर आया हुआ था अगली समय में, नेक्स्ट जनरेशन में। वो आया था, और फिर उसके
साथ यूसुफ का कोई वास्ता नहीं था, उसके अनुभव में हृदय का कनेक्शन नहीं था यूसुफ के साथ, जो पहले वाले बादशाह का था वैसा नहीं था, और जो पहले वाले बादशाह को बेनिफिट मिला था यूसुफ के द्वारा, वो बेनिफिट इस बादशाह को नहीं मिला था। उसको इसके बारे में कोई लेन देन व्यवहार नहीं हुए थे, जिसके कारण उसके अंदर कोई आशा हो जाए, ऑफर आ जाए उनके अंदर कि ये मैं उसको दूँ, वो उसको दूँ, ऐसा कुछ एक उसके अंदर ऐसा कुछ एक दिल हो जाए, ऐसा कुछ भी उस यूसुफ के साथ ये बादशाह का नहीं था, व्यवहार नहीं था। तो उसके लोगों के ऊपर वो क्यों अपना फेवर रखेगा? वो उसके लोगों के साथ हृदय के साथ हृदय कनेक्टेड नहीं रखा, ओके? उसको उसके पिछले लोगों को किस तरह से यूसुफ ने अच्छा रखा था, किस तरह से मुसीबत में से छुड़ाया था, इसके ज्ञान उसकी जानकारी में वो पाल नहीं रहा था, ओके? जब कोई दुष्टता करता है आपके साथ में, तब उसके अंदर आपके बारे में आपने उसके लिए कौन सी भलाई की, या आपके पूर्वजों ने उसके लिए कौन सी भलाई की, और ये वो याद नहीं रखता है, ओके? इसके कारण वो आपके साथ दुष्टता कर पाता है। आया समझ में? लेकिन अगर हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, तो वो अपनी अपनी जगह में आपके लिए फेवर रखेगा। लेकिन अगर हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं है, तो वहां पर आपको याद रखना है कि दुष्टता निश्चित 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 है, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ में हो, चाहे वो बच्चे और माता पिता में हो, चाहे वो माता और पिता के बीच में हो, चाहे वो आप और रिश्तेदारों में हो, चाहे वो कोई फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे आपके जॉब की जगह हो, कुछ भी हो, अगर दुष्टता आपके ऊपर आती है, तो इतना ही उसका कारण है कि हार्ट टू हार्ट आपके कनेक्शन में वो लोग नहीं है, ओके? उसको बोलते हैं, दुष्टता करने वाला इंसान को बोलते हैं, वो अपने बारे में सोच रहा है, वो अपने बारे में सोच रहा है, उसको ही बोलते हैं वो स्वार्थी है। आया समझ में आपको? उसी को बोलते हैं वो स्वार्थी है, ओके? जो दुष्टता को सह रहा है वो स्वार्थी नहीं है, जो दुष्टता कर रहा है वो स्वार्थी है, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग में, समझदारी के अंदर उसने ये देखा कि आप उसके लिए खतरे हैं, आप उसके लिए मुसीबत है, आप उसके लिए बाधा है, आप उसके लिए परेशानी है, ओके? तो आपने नहीं देखा, लेकिन उसने देखा, इसके लिए वो आपके ऊपर अभी परेशानी डाल रहा है, ठीक है? अब उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं वचन में, 9 वचन, और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजराइली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं। अब ये राज गद्दी पर बैठा है, ओके? इसको अपने राज्य की देखभाल करनी है, इसको किसी से लेना देना नहीं है। इसके ऊपर किसने पिछले दिनों में फेवर किया था, पिछले जनरेशन में क्या फेवर किया था, इसको उसकी कोई कीमत नहीं है, और उसके बारे में वो स्टडी भी नहीं कर रहा है, ओके? अब यहाँ पे एक बात आपको याद आना चाहिए कि मोर्दकई के बारे में ऐसा हुआ था, तो वो मोर्दकई के लिए उस बादशाह को परमेश्वर ने जगाया, उसको तड़पाया, सोने नहीं दिया, और उसने पुरानी किताब जिसके अंदर लोगों के अच्छे कामों के हिसाब लिखे जाते हैं, वो किताब खोली, और उसने देखा कि मोर्दकई का ऐसा कोई सम्मान किया गया नहीं जिस वक्त उसने उनके देश के लिए, उनके बादशाहत में अच्छे काम किए थे। और यहाँ पर वो बादशाह अब बोलता है कि अब मुझे मोर्दकई को सम्मान करने की ज़रूरत है, और वो हमान को लाकर पूछता है कि बोल इसके बारे में क्या करे, ओके? इसे मतलब ये एक ऐसा समय है कि मैं किसी का सम्मान करना चाहता हूँ। वो बोलता नहीं है कि मोर्दकई का, लेकिन वो कहता है कि अगर मैं किसी का सम्मान करना चाहूँ तो किस तरह से करना चाहिए, ये सजेस्ट कर मुझे, आइडियाज दे मुझे, ओके? तो यहाँ पर इस तरह से परमेश्वर तड़पाया था, ओके, उस बादशाह को कि वो मोर्दकई का सम्मान करे और उसके जाति को वो संभाले। तो यहाँ इस मिस्र देश के जो बादशाह है, इसको वैसा याद दिलाने वाला समय परमेश्वर ने नहीं लाया, ओके? ये समय को लाने का परमेश्वर के पास किसी ने प्रार्थना भी नहीं किया, ओके? ये समय आने के
पहले ही ये बादशाह अपने दिलो दिमाग में से सोचने लग गया कि अब इसके बारे में क्या करे, ये इज़राइल के बारे में क्या करे। वो एक नए तरह से नए नए प्रोजेक्ट की तरह इज़राइलियों को अपने दिलो दिमाग से सोच रहा था, ओके, ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है, तो जब आपके ऊपर कोई इस तरह से परेशानियों को लाता है, छल को लाता है, तो आपको ये एक सेकेंड पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर आपके बारे में वो कोई भी भली बात को याद नहीं रख रहा है। वो एक एकदम सेपरेट और उसका पर्सनल प्रोजेक्ट है, जिम्मेदारी है, ऐसा सोचकर वो आपके ऊपर छल करना शुरू करता है। ओके, उसकी पर्सनल हैसियत है, ये पर्सनल टेरिटरी है उसका, ओके, ये पर्सनल एरिया है उसका, और उसके अंदर उसको ये दिखाई देता है कि मुझे ये स्टेप उठाने की जरूरत है, क्योंकि अधिकार है मेरे पास, क्योंकि मैं बादशाह हूं, क्योंकि मिस्र की रखवाली करना मेरे हाथ में है। ओके, ये समझदारी उसके दिमाग में है, ये एक सेपरेट पर्सनल प्रोजेक्ट बनाता है वो अपने दिमाग के अंदर, ओके, और फिर वो छल करना शुरू करता है। और उसके लिए उसने देखो क्या किया, ठीक है, 9 वचन देखो क्या किया है, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। अब उसके अंदर जब ये 9 वचन दिखाता है कि उसके अंदर ये दिखने लगा कि ये इजरायली लोग खतरे लग रहे हैं, तो उसने लोगों को बुलाया, ओके, और बोला कि अब कुछ बुद्धिमानी से बर्ताव करना है। उनके बुद्धिमानी का बर्ताव क्या निकला, क्या निकला उनके बुद्धिमानी का बर्ताव, आगे पढ़ते हैं हम, ओके, बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है, ये उसकी पर्सनल इरादे की लाइन है, इसकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, जिसके साथ यूसुफ कनेक्टेड नहीं है, जिसके साथ पास्ट हिस्ट्री कनेक्टेड नहीं है, जिसके साथ पास्ट भलाइयां कनेक्टेड नहीं है। वो अपना एक पर्सनल प्रोजेक्ट उठाया है और जो ये सोच रहा है, मुझे पास्ट देखने की जरूरत नहीं है, ओके, मुझे अब की देखनी है, अब मेरे हाथ में है ये बादशाह, अब की देखनी है मुझे, ओके, और मैं जिम्मेदार हूं, मेरी प्रजा को देखने का मैं जिम्मेदार हूं। ये मूर्ख इंसान है जिसने अपनी जिंदगी खो दी, ओके, ये मूर्ख इंसान है, महाघमंडी इंसान होते हैं वो, जो पिछले हिसाब नहीं देखते हैं कि हमको किस तरह से भूखे थे तो खाना खिलाया, प्यासे थे तो पानी पिलाया, बीमार थे तो देखने के लिए आए, बंदिश में थे तो मिलने के लिए आए। किसने ये काम किया? यही तो वो लोग थे जिसने हमारे पिछले दिनों में हमारे ऊपर एहसान किए, ओके, नहीं देखते हैं वो, महाघमंडी रहता है ऐसा इंसान, ओके, और ये महाघमंड ही गिरा देता है हर जगह से, पूरी तरह से नाश कर देता है उस इंसान को। लूसीफर भी महाघमंडी था, ओके, और वही घमंड लूसीफर को परमेश्वर के खिलाफ लेके गया, ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए, छल करने वाला इंसान महाघमंडी रहता है, महाघमंडी, महाघमंडी, उसके दिमाग में बिल्कुल आपके बारे में हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं रहता है, ओके, बिल्कुल आपके बारे में उसके अंदर फेवर नहीं रहता है। छल करने वाले के अंदर कभी आपके लिए फेवर नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि वो आपका पिछला कोई कनेक्शंस नहीं रखता है, ओके, आपका पिछला उसको फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी प्रकार से उसको कोई प्रकार का फर्क नहीं लगता है कि वहां पर पिछले समय में क्या हुआ था, ये तो देखे, ये काम किसने किया था? मुर्दकई के लिए परमेश्वर ने किया था, उस बादशाह को जगाया था, ए उठ जा पढ़ ले, ये मेरे बच्चे ने क्या काम किया है, ओके, और फिर वो बादशाह बोलता है कमॉन यार, मैंने इतना गलत किया है, ये इंसान को मैंने सम्मान तक नहीं किया, भुला दिया है, चलो ये मेरी बारी है, मेरे पिछले वाले बादशाह ने नहीं किया, ये अब मेरी बारी है, मैंने इसको सम्मान करने की, आदर करने की कोई तारीख ठहरा देनी चाहिए।
गॉट इट? अब यहां पर आपको समझ में आता है ये कौन करता है, परमेश्वर याद दिलाता है पीछे कौन खड़ा था। वहां पर एस्तर खड़ी थी प्रेयर में, ओके, और यहाँ पर मुर्दकई ने उसको चढ़ा दिया था कि चढ़ जाओ, प्रेयर का माहौल क्रिएट करो, अपनी जाति को बचाओ, ओके। ये एक रास्ता खोल के दिया था मुर्दकई ने, और एस्तर ने वो किया और परमेश्वर ने उसको सपोर्ट किया। इधर फिरौन, ओके, ये नया बादशाह मिस्र देश का, जो यूसुफ के भले कामों को भुला दिया, भुलाया तो छोड़ दो, पहचान में ही नहीं रखा, ओके, दिमाग में ही नहीं रखा, और फिर वो उसके बारे में ऐसा काम कर रहा है कि इज़राइल के बारे में एक सेपरेट प्रोजेक्ट देख के सोच रहा है, ये मेरी प्रजा के लिए परेशानी का ठहरने वाला है। ओके, महाघमंडी होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है, 11 वचन, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पित्तौम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया। यहां पर आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि बुद्धिमानी से ये बादशाह ने प्लान किया लोगों के साथ मिल बैठ के। जब आपको कोई सता रहा है तो वो अकेला नहीं है, वो बुद्धिमान बन के लोगों के बीच में आपके टॉपिक को घोलकर, घुला घुला कर लोगों के दिमाग की बत्तियां देख देख कर प्लान करके, प्लॉट करके आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, छल कर रहा है। वो अकेला इंसान नहीं है, आया समझ में? वो 10 लोग उसके साथ होंगे जिसके बीच में बैठ के आपकी चर्चाएं होती है, ओके, आपकी सामर्थ के बारे में, आपके हौसले के बारे में, आपके इज्जत के बारे में, आपके अच्छे रख रखाव के बारे में, आपके ब्लेसिंग्स के बारे में, आपके हर एक चीज के बारे में मिल बैठ के बातचीत करता है वो, जो आपको सताना चाहता है। और फिर वो बुद्धिमान होकर एक प्लान रचता है, सबके दिमाग की बत्तियां लेकर एक अच्छा सा प्लान रचता है। इसने क्या प्लान रचा? इसने ये प्लान रचा कि आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। अब ये निकल गए तो उसको क्या प्रॉब्लम है, ओके? अब वो फाइट करेंगे, ये इनके दिमाग में है, तो उनको वो समझा भी तो सकते हैं, वो उनको कुछ और तरीके से भी तो कुछ रास्ते निकाल सकते हैं, उनको कोई प्रकार से कहीं और एक आसान रास्ता भी तो निकाल सकते थे। लेकिन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इसराइलियों के साथ ना होने के कारण ये बुद्धि देखो कैसे चली, इसकी बुद्धि इस तरह से चली। 11 वचन, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर, ढल डाल कर, डाल डाल कर उनको दुख दिया करे। तब उन्होंने फिरौन के लिए तौन और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया। अब ये जब प्लान सेट हो गया, बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर कंटिन्यूसली छल कर करके एंड एडिशन में दुख देकर, ओके, कंटिन्यू भार और कंटिन्यू दुख, ये दोनों चीजें, ओके, क्या करेगी? इस बादशाह के डर को आराम देगी। कौन सा डर? यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। तो ये था उसका पॉइंट, ओके, ये पॉइंट के लिए उसके बुद्धि ने ये एक समय को ठहरा दिया, भार डाल डाल कर, दुख दे देकर, ओके। और लोगों ने क्या किया फिरौन के लिए? फिर
तोम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया, उसके अंदर इजरायलियों को सेपरेशन में डाल दिया। ओके, वो एक प्रकार का उनका जॉब प्रोजेक्ट चलाया। ओके, उनका वहां पर एक एक उनके जिंदगी को यूज करने का रास्ता वो नगरों में लगा दिया। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे 12 वचन। पर ज्यों ज्यों उनके उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इसराइलियों से अत्यंत डर गए। आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, आपको बहुत गहराई से यह समझ में आना चाहिए। उनका अच्छा समय था, अच्छा समय, यूसुफ ने फेवर किया, यूसुफ के ऊपर बादशाह ने फेवर किया हुआ समय था, और वो फेवर के कारण इज़राइल लोग, 7 वचन में कहता है, संतान फूलने फलने लगी और वे अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। क्या दिखाई देता है आपको? अच्छा समय था, यूसुफ ने खरीद लिया, यूसुफ ने इज़राइलियों के लिए तैयार किया, यूसुफ ने कलेक्ट किया, यूसुफ ने बटोरा इज़राइलियों के लिए, इज़राइली उसका लाभ उठा रहे हैं। इज़राइलियों ने मेहनत नहीं किया ये सब आने के लिए, इज़राइलियों को फोकट का फेवर मिला। मेहनत यूसुफ की है, परमेश्वर यूसुफ के साथ था, परमेश्वर ने यूसुफ को फेवर किया, यूसुफ को बादशाह ने फेवर किया, बादशाह के फेवर से इज़राइलियों को फेवर मिला। ओके, और वो इज़राइली फलते फूलते गए, वहाँ पर वो जन्मे, मिस्री जमीन पर वो जन्मे, वहीं पर वो जीने लगे, उनका व्यवहार बढ़ता गया, सब कुछ खुशहाली खुशहाली, एकदम मनभावन था, एकदम जबरदस्त था। ओके, लेकिन उन्होंने ये जगह में एक एरिया ऑफ लाइफ को कभी नहीं छोड़ा, वो है अपना परमेश्वर। ओके, उनका बढ़ने का कारण परमेश्वर बहुत गहराई से प्यार किया है इज़राइल के साथ। ओके, यूसुफ के साथ। ओके, अब यहाँ उनको सता रहे, और सताने के बाद भी क्या हो गया, ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इसराइलियों से अत्यंत डर गए। क्या आ गया? परमेश्वर का प्यार आ गया यहाँ पर। ओके, परमेश्वर का अंदर से आपको क्या मिल रहा है? वो शत्रु को डरा रहा है, वो शत्रु उसको नाप सकता है, वो उसके मीटर लगा के देख सकता है कि आप घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। एक कम ऑन माई फ्रेंड्स, छल के अंदर, आपके अंदर से परमेश्वर आपको हरियाली दिया हुआ है, हरियाली फैलाया हुआ है, अभिषेक का तेल उंडेल रहा है आपके ऊपर, कोई भी प्रकार से परमेश्वर शत्रु के वार का कोई निशान रखने नहीं दे रहा है, सब कुछ निकल जाता है, आप ऊपर उठ जाते हैं, सब कुछ निकल जाता है, दोबारा आप ऊंचे हो जाते हैं, सब कुछ निकल जाता है, और ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं, सब कुछ निकल जाता है, और उससे ज़्यादा ऊपर निकल जाते हैं, ये शत्रु देख रहा है और उसका डर और भी बढ़ रहा है, अत्यंत डर गया। आया समझ में? अब ये दिखने में तो इज़राइली बढ़ रहे हैं, दिखने में तो सब कुछ इज़राइलियों के अंदर से परमेश्वर की एक लाइफ फैल रही है, लेकिन इज़राइली खुद थके हारे थे। आया समझ में? इज़राइली खुद अपने बारे में परेशान थे कि ये ज़्यादा हो रहा है, ये परेशान हो रहा है हमको। ओके, अब देखो 13 वचन। तो भी मिस्रियों ने इसराइलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई, अब फिर भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, पागल है। ओके, घमंडी रहते हैं ना, मैंने बोला ना आपको, महा घमंडी रहता है ऐसा इंसान जो आपको छल कर रहा होता है। ओके, तो भी उस खून इसराइलियों को छोड़ा नहीं, देखा कि वो बढ़ रहे, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी आगे बढ़ के और नाक चढ़ाई। ठीक है, आगे देखो 14 वचन।
और उनके जीवन को गारे ईंट और खेती की भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। पहला भी क्या किया, भार डालकर दुखी किया, अभी भी कठिन सेवा में डालकर दुखी किया। तो इसको आराम मिलने का, इसके डर को आराम मिलने का एरिया ऑफ लाइफ क्या है? आपको दुखी करना। इसके डर को शांति मिलने का एरिया ऑफ लाइफ कौन सा है? आपको दुखी करने का। आपको दुखी कैसा किया जा सकता है? आपको ठोकर लगा के, आपके मन को चोट लगा के, आपको जो पसंद नहीं है वो करके, आपके दिलो दिमाग को परेशानी में डाल के, कैसा क्या करके आप दुखी हो सकते हैं? वो उसका टारगेट है। तब उन्होंने फिरौन के लिए पित्तोम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इसराइलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इसराइलियों से कठोरता के साथ सेवकाई कराई और उनके जीवन को गारे ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। कठोरता का व्यवहार क्या रिजल्ट लाता है? आपको दुखी करता है। इसका डर क्या था? वो लोग ताकतवर बनेंगे और हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, ये उसका डर था। और उस ताकतवर को निशाना बना के उसने कौन सा हथियार चलाया? आपको दुखी करने का। तो दुखी करना रिजल्ट क्या लाता है? आपके ताकत को खत्म करना। आया समझ में? शत्रु आपको दुखी क्यों करता है? ताकि आपकी ताकत जो है वो खत्म हो जाए। आया समझ में आपको? आपको दुखी क्यों किया जाता है? आपकी ताकत को खत्म करने के लिए। ओके? आपके ताकत से शत्रु डरता है और जब आपको छल किया जाता है आपको ये दिमाग में पकड़ लेना है, ये इंसान मेरी ताकत से डर रहा है। आया समझ में? और ये अब क्या कर रहा है? मुझे दुखी करने वाला बुद्धिमानी के रास्ते चल रहा है। ओके? विकेड बुद्धिमानी, दुष्टता की बुद्धिमानी का रास्ता चलेगा जिसका एंड रिजल्ट क्या रहेगा? मुझे दुखी करना। ओके? वो कोई भी तरह से कर सकता है दुखी, आपको इंसल्ट करके कर सकता है, आपको परेशान करके कर सकता है, आपको बेइज्जत करके कर सकता है, कुछ भी तरीका इस्तेमाल करेगा, लेकिन टारगेट क्या है? आपकी ताकत को घटा देना। आपके ताकत को घटाने का एंट्री पॉइंट कौन सा है? आपको परेशान करना कठोरता के हृदय से, नम्र हृदय से नहीं, कठोरता के हृदय से आपके ऊपर चढ़ाई करना। और उसके कारण क्या आएगा? आपके अंदर दुख आएगा। दुख आया, आपका एंड रिजल्ट क्या रहेगा? ताकत घट गया। लेकिन इजरायली जैसा जैसा उनके ऊपर परेशानी, वैसा वैसा अपने सामर्थ्य में वो, ताकत में वो बढ़ते ही चले गए। तो इसका मतलब क्या है? दुख उनको नहीं आ रहा था, दुख उनको टच नहीं कर रहा था। हजारों छल हो जाते हैं, आप बाइबल लेके बैठते, कंफर्ट मिलता है, दुख आपके ऊपर से हट जाता है। ओके? आप बड़े इंसल्ट होकर निकल आते हैं, बाइबल लेके बैठते, प्रेयर में बैठते, आराधना के गीत सुनते, दुख हट जाता है। ओके? भारी तरह से आपको बेइज्जत हो गए, कहीं तो परेशानी कर दिया, बहुत ही जबरदस्त लड़ाई झगड़े हो गए, मारपीट हो गई, कुछ भी हो गया, घर में आते प्रार्थना करते बाइबल पढ़ते हैं, कंफर्ट हो गया। आपकी ताकत क्या होती है? 1+1 and +1 and +1 and +1 एडिशन, मल्टीप्लाई बहुतायत में बढ़ती जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, छल करने वाला महाघमंडी इंसान रहता है, उसके अंदर सेल्फिशनेस है, स्वार्थ है, वो अपनी सोचता है। आपको वो छल करते वक्त वो अपने कारण से करता है, अपने अंदर के छिपे हुए आपके ताकत को वो देख कर डर रहा है,
उस डर के कारण वो आपका छल करता है। आया समझ में? अब आगे हम पढ़ते हैं। शिप्रा और पुआ नाम दो इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। अब यहां पर आपको समझ में आना चाहिए, ये धाइया परमेश्वर के भय मानने वाली थी, इनके पास भी ब्रेन दिया है परमेश्वर ने। इनके साथ भी थॉट लाइफ है उनके अंदर। और अब ये इन मन के नम्र परमेश्वर के प्यार करने वाले इंसान को वो बोल रहे, ए वुमेन्स, ए स्त्रियों, बच्चों को मार डालो। ये कोमल हृदय वाली परमेश्वर के वुमेन्स, परमेश्वर ने रची हुई मनोधारणा रखने वाली वुमेन्स, इसको वो बोल रहे ए कठोरता करो, यानी घमंड को धारण करो। हाँ, क्यों? हम बादशाहत में हैं, हमारे बादशाहत में तुमको हमारी सुननी पड़ेगी, कठोरता ले लो अपने अंदर। अब ये क्या करे, ये वुमेन्स ने क्या करना चाहिए, ये स्त्रियों ने क्या करना चाहिए, ये धाइयों ने क्या करना चाहिए? क्या परमेश्वर को अलग करना है और कठोरता को ले लेना है? ये धाइयों के ऊपर परमेश्वर का भय मंडराता था, इनके सोचों को भी परमेश्वर ने सपोर्ट किया। ये सोचों के ऊपर परमेश्वर ने क्या बताया कि आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ दे। तो बादशाह की आज्ञा को न मानकर जीवित छोड़ दे, ये हमारा परमेश्वर है, माय फ्रेंड्स। अगर कोई ऐसा कठोर, खुद के सोचने वाला घमंडी इंसान किसी को सताने में लगा है और वो ऐसे नम्र हृदय के लोगों को जाके बोलता है, ऐ नम्र हृदय वाली, तेरा नम्रता बाजू में रख और कठोरता ले हाथ में, जा उसको सताने के लिए, जा उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए। वो स्त्रियों के दिमाग को परमेश्वर छूता है। वो लोगों के दिमाग को परमेश्वर सोचों में छूता है, माय फ्रेंड्स, और वो आपके फेवर में, आपकी तरफ में वो अपना काम कर देते हैं। किसकी आज्ञा तोड़कर? उस घमंडी की आज्ञा तोड़कर। आया समझ में? तो ये इंसान जो परमेश्वर के भय मानने वाले इंसान रहते हैं, और उनको, क्योंकि वो बादशाहत के अंडर है, क्योंकि वो कोई न्याय के अधीन है, कोई कोई प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस के नीचे दबे हैं, और वो उनका रोजी रोटी है, और उनको उनके बॉस लोग बोल रहे हैं, उनके अधिकारी लोग बोल रहे हैं, ऐ कठोर कर, कठोर कर अपने मन को, जा उस परमेश्वर के बच्ची को सता, जा उसको सताने के लिए, जा उसके ऊपर इंसल्ट कर, जा उसको जाके जरा दरवाजे के ऊपर जोर जोर से मार, या फिर जा जाके कोई गाली गलौज करके आ, नहीं तो उसके ऊपर कोई चढ़ाई करके आ, जा ये काम करके आ। तो वो इंसान जो है परमेश्वर का भय मानने वाले, उनके सोचों में परमेश्वर अलग रास्ता देता है। और वो चुपके से उनकी आज्ञा को तोड़कर वो रीजन बताते, ओ वेरी सॉरी यार, हम गए थे वहां पर लेकिन ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि वो लोग अवेलेबल नहीं थे वहां पर, कोई भी रीजन दे देते हैं, लेकिन परमेश्वर उसके बीच में ये प्रूफ आपके लिए मिल जाता है। परमेश्वर आपको उस समय वो लोगों के सोच में क्या काम किया इसके बारे में आपको बताता है कि देख मैंने उनके सोचों में काम किया है, डोंट वरी, ये घमंडी को तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन अब वो जिसको जिसको तेरे खिलाफ लगा रहा है उनको मैं, अगर वो परमेश्वर के भय खाने वाले लोग हैं, मैं सोच में उनके जरूर काम कर रहा हूं। अब आगे देखो क्या लिखा है।
18th वचन, तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवा कर पूछा, ऐ नम्र स्त्रियों, परमेश्वर का भय रखने वाली, क्या कर रहे मेरी बादशाहत में ऐसा कर रहे? हाँ, मेरी आज्ञा को तोड़ रहे। ओके, तो उनका हिसाब लेने के लिए अब ये मिस्र का घमंडी राजा उसको बुला रहा है। ओके, अब देखो क्या बोलता है उनको, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? भाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया कि इब्री स्त्रियां मिद्दानी स्त्रियों के समान नहीं है, वे ऐसी फुर्तीली है कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत ताकतवर हो गए। अभी ये ताकत ही तो उस घमंडी बादशाह को सता रहा था, है ना? ये ताकत ही तो वो घमंडी फिरौन को परेशानी में डाल रहा था, वो ताकत ही तो उसको मजबूर कर रहा था कुछ बुद्धि करने के लिए, कुछ चढ़ाई करने की बुद्धि करने के लिए, इसराइल की ताकत घटाने की कोई चाल चलाकी करने के लिए मजबूर कर रहा था। और यहाँ पे थर्ड टाइम हम देख रहे हैं कि यहाँ दोबारा ताकत बढ़ गई। ओके, पहले तो वो फलते फूलते रहे थे, दूसरी बार जब ज्यादा भार डालने लगे तब ज्यादा फलते फूलते गए, और फिर अब धाइयों को परेशानी में डाला तो और ज्यादा सामर्थ्य बन गए, और ज्यादा ताकतवर बने। तो आपको समझ में आना चाहिए माय फ्रेंड्स, जब ये घमंडी लोग आपको सताते हैं तो उनका सताने का टारगेट है आपके ताकत को खत्म करना, कमजोर करना। लेकिन परमेश्वर, ओ जीसस, रब खतिया कुमदरा रदे न नमसील रहा शांत का सियांदुरा अशकीर बखुमरा कल्ला रहा अबके नमस्यांदुरा। कम ऑन माय फ्रेंड्स, कम ऑन, वेक अप। ओके, जाग जाओ। ओके, जाग जाओ। जब छल कर रहा है कोई आपको, तो उसके पीछे आप परमेश्वर के तरफ अपने आप को जब झुकाते हैं तो उनका टारगेट फेल होता है, 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 उनका टारगेट फेल होता है। कितनी बार मैं बताऊं आपको, उनका टारगेट आप फेल कर रहे हैं। आपको सताने के पीछे उनका टारगेट है, जो चीज आपके अंदर की उनको डरा रही है वही चीज आपकी बढ़ती जा रही है। कौन बढ़ा रहा है? परमेश्वर बढ़ा रहा है, और उनका डर घट नहीं रहा है, उनका डर अत्यंत में बदल रहा है, अत्यंत में बढ़ता जा रहा है, उनका डर और ज्यादा मेहनत लेके बढ़ रहा है। आया समझ में? उनका डर खत्म नहीं हो रहा है। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन, इस बात को आपको अंदर लेने की जरूरत है कि आपके ताकत को शत्रु डर रहा है। इंसान उसके अंदर के समझ में देख चुका है आप ताकतवर है, आपकी ताकत उसका क्या नुकसान कर सकती है ये उसने देख लिया है। उस ताकत को निपटने के लिए वो कुछ लोगों के साथ मिल बैठ के आपके बारे में डिस्कशन किया है। उस डिस्कशन के अंदर से उसने बुद्धियों को कैच किया है कि ऐसा करे वैसा करे, और फिर एक प्लान बन गया है। वो प्लान के अनुसार आपको सताया जा रहा है। अब वो सताने की वजह से आपके अंदर से परमेश्वर का और ज्यादा ताकत बढ़ रहा है, और जो सताने वाला है वो महाघमंडी है, वो देख रहा है कि आपकी ताकत घट नहीं रही है, बढ़ती जा रही है। अब ये बढ़ती जा रही है ताकत, तो इसको और ज्यादा सताओ। अब ठीक है, सताओ, लेकिन ताकत घटने का कारण क्या है? दुखी करना, दुखी करना ये ताकत को घटा देता है। इस सीक्रेट हथियार को आपके ऊपर वो इंसान फेंक रहा है। ओके, दुखी करना, दुखी करना। अगर दुखी है आप, शत्रु जीत गया है। अगर दुखी है आप, शत्रु जीत गया है, आपकी ताकत घट गई है। अगर दुखी है आप, बात खत्म कर दो, शत्रु जीत गया है। आया समझ में?
इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ, रिजॉइस एवर मोर, एंड अगेन आई से रिजॉइस एवर मोर. ओके, आनंद करो, और बार बार मैं कहती हूँ आपसे, सदा आनंदित रहो. क्यों? प्रभु का आनंद मेरी ताकत है. आमीन. अगर शत्रु आपके ऊपर, इंसान आपके ऊपर चढ़ाई करता है, एक कॉमन सेंस से उसका डर उसको चढ़ाई करने के लिए मजबूर कर रहा है. आया समझ में? हर इंसान जो आपके ऊपर चढ़ाई करता है, वो आपको ताकतवर देखकर चढ़ाई करता है. समझ जाइए. अब इसराइल लोगों ने वो फिरौन बादशाह के बादशाहत को पलट जवाब दिया, क्या? नहीं दिया. लेकिन फिरौन बादशाह क्या कर रहा था? इसराइल की ताकत को घटने का रास्ता देने के लिए कोशिश पे कोशिश लगाया था. लेकिन क्या हो रहा था? ताकत बढ़ रहा था. क्या इसराइल लोगों ने फिरौन के बादशाह को पलटवार किया? नहीं किया. लेकिन फिरौन बादशाह का डर आपकी ताकत थी, इसराइल की ताकत थी, उसके लिए वो सब कुछ किए जा रहा था. और वो ही ताकत क्या कर रही थी? फिरौन को और डरने के लिए और ऊंचा हो रही थी. तो पलटवार ना करते हुए भी इसराइल की ताकत बढ़ रही थी. पलटवार नहीं किया, फाइट नहीं किया, बादशाह को कुछ नहीं किया, बादशाह के अधीन रहे, बादशाह के दिए गए सारे काम किए, सब छल को सहा, सब प्रकार की यातनाओं को सहा, और ताकत फिर भी ऊंची है. तो फिरौन का डर जो था, उस डर को दवा हुई नहीं, उस डर का इलाज हो ही नहीं रहा है. ओके, लेकिन इसराइली तो ताकत में बढ़े, लेकिन शरीर से क्या हो गए? थकते जा रहे थे. क्या उनकी ताकत घटी? नहीं घटी. उनकी ताकत थकने का काम नहीं था. ओके, उनका थकने का काम इतना ही था, समय कम पड़ रहा था उनको. कम समय में ज्यादा काम दे रहे थे, समय कम पड़ रहा था. वो करने के लिए तैयार थे, लेकिन समय कम हो रहा है. वो बोल रहे, एक घंटे का काम अभी 50 मिनट में कीजिए, 50 मिनट का काम अभी 10 मिनट में करना है. तो जो काम एक घंटे में करना चाहिए, वो 50 मिनट में कैसा करेंगे? ओके, जो 50 मिनट में भी करने के लिए बोल रहे हो, अभी वो 10 मिनट में करो कह रहे, कैसा करेंगे? ओके, क्योंकि वो सेटिंग नहीं हो रहा है, वो सेटिंग के अंदर कंप्लीट होने का चांसेस नहीं रखा है. हाँ, वो स्पेस ऑफ टाइम नहीं दिया गया है, वो स्पेस ऑफ टाइम चाहिए उनको. वो बाकी कुछ नहीं डर, कुछ नहीं परेशान थे. इसराइल को स्पेस ऑफ टाइम नहीं दिया जा रहा था. वो कर रहे थे, वो मेहनत कर रहे थे, उनकी ताकत कहीं पर भी अटैक में नहीं गई, कहीं पर भी वो दुखी नहीं हुए, कहीं पर भी नहीं हुए दुखी. ओके, लेकिन उनको स्पेस ऑफ टाइम नहीं दिया जा रहा था. जिस समय के अंदर उनको होना चाहिए था, वो स्पेस ऑफ टाइम शेड्यूल में से उनके लिए कम किया गया था. और इसकी वजह से उनका असर ऐसा हो रहा था, सीधे मन से जो काम कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पेस ऑफ टाइम ही नहीं है. अगर चाय उबलने के लिए आपको कम से कम एक सेकेंड रखना पड़ेगा, तो एक सेकेंड तो दीजिए ना. अगर एक सेकेंड भी नहीं देंगे, उसके पहले आप बोलेंगे नहीं, 1 मिली सेकेंड में हो जाना चाहिए, उसको उतना कैपेसिटी ही नहीं है 1 सेकेंड में पूरा करने, 1 मिली सेकेंड में पूरा करने का. फिर आप मिली सेकेंड के अंदर एक काम कर लो कहेंगे, तो आपको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा. ओके, इसके लिए आपको वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, फिर आपको संशोधन करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा. ओके, तो आप आगे देखिए, आपका ताकत दांव पर लगा हुआ है, छल जो सहन कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आपकी ताकत को शत्रु डर रहा है, छल करने वाला आपके ताकत को डर रहा है. एग्जैक्ट लोकेशन है ये, एग्जैक्ट टारगेट है ये शत्रु का, कि वो आपके ताकत को, ओ जीसस, ओ शाबर खता ना का हसी अंदुरा रिदान ना मगासी अंदुरो रदेन खल बर रखा अजकीर बखुम बर रखा सिहान दुखो बुस्तो. थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू हमारी ताकत को घटने नहीं दिया. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बाद का वचन.
इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। बिचारा घमंडी। और धाइयों इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी, उसमें उसने उनके घर बसाए। ओके, तो जो बिलीवर्स आपकी तरफ में है, जो इंसान आपको फेवर करता है, आपके जो छल करने वाला घमंडी है उसकी बात ना सुनते हुए चुपके से आपको फेवर दे देता है, वो भी ब्लेस होगा माय फ्रेंड्स, वो भी ब्लेस होगा। ओके, उसके लिए भी परमेश्वर उनका भी घर बसाता है, उनका भी घर सजाता है वो। माय फ्रेंड्स, डिस्करेज नहीं होना है। ओके, आगे क्या लिखा है 22। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना। अब उसका दिमाग और एक्स्ट्रा काम करने लगा। ओके, पहले तो जन्म देते देते मार डालो कहा था, अब इसके बाद उसने कहा जितने 2 साल के नीचे बच्चे हैं सबको ले लो और जो लड़के हैं उनको लेकर पानी में फेंक दो। मूर्ख घमंडी। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेवी के घराने के एक पुरुष में एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा और जब वह उसे और छिपा न सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे इसका क्या हाल होगा। ये जो आप पहला वचन से लेकर 4th वचन तक पढ़ रहे हैं, जो स्त्री गर्भवती हुई वो और उसका पुत्र संभालने का ये जो दिलो दिमाग है, ओ जीसस, आई लव यू अबा फादर, आई लव यू, ये सोचे हैं माय फ्रेंड्स, ये सोचे हैं जो हमको हमारा खुदा दे सकता है, शैतान नहीं देता है ऐसा सोच। ओके, दाइयों को वो कहता है आज्ञा मत मानो, जाओ बच्चों को बचा लो। ये मेरा परमेश्वर है। हाँ, ये गर्भवती को बोलता है छुपा ले 3 महीने तक। ओके, छुपा लिया, अब उसके बाद क्या, छोड़ दे पानी में। ये दिमाग है। ओके, ये दिमाग है, ये सोचे है माय फ्रेंड्स, ये सोचे है जो परमेश्वर की ओर से उन लोगों को मिलती है जो छल के नीचे कुचल रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। ओके, और जो छल करने वाला रहता है वो महाघमंडी होता है, वो आपकी ताकत से डर रहा होता है, लेकिन सोचे जो है वो परमेश्वर की ओर से है माय फ्रेंड्स, परमेश्वर की ओर से है। हाँ, इसके लिए आपको वो सोचों को बहुत आराम से लेके चलना है, आराम से लेकर। वो खुदा है, मेरा खुदा है वो। ओके, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। ओके, कोई प्रकार का अमावस्या पूर्णिमा का डर नहीं रखना है, कोई प्रकार के दिन दोपहर का डर नहीं रखना है, कोई अंधेरे का डर नहीं रखना है, कोई प्रकार के किसी भी विद्याओं का डर नहीं रखना है, कोई तीर का डर नहीं रखना है, क्योंकि आपके अंदर आपकी भक्ति जो करते हैं आप, वो यहोवा परमेश्वर काफी खतरनाक परमेश्वर है, वो काफी खतरनाक परमेश्वर है। आपको इज़राइल को नहीं मालूम था वो फिरौन का बादशाह का दिमाग क्यों सटक गया है। ओके, नहीं मालूम था। हाँ, उनको नहीं मालूम था कि वो उसकी उनके ताकत से वो डर रहा है, उनको नहीं मालूम था। ओके, और वो बस आराम से जैसा कहेंगे वैसा चल रहे थे सीधे मन से, लेकिन ये बुद्धू घमंडी को दिखाई दिया उनकी ताकत काफी है, उसके ऊपर कुछ तो करने की जरूरत है। वो स्वार्थी था, ठीक है, और वो निकला अपने दिमाग को लेकर, 10 लोगों के दिमाग साथ में इकट्ठा करके, 4 लोगों के बीच में बैठकर, बहुत बड़ी बड़ी बातें मारकर, इकट्ठा कुछ मन बनाकर लेके आ गया इसराइलियों के खिलाफ। क्या ताकत घट गई? नहीं घटी। क्या धाइयों ने मार डाला? नहीं मार डाला। क्या ये गर्भवती ने होने दिया जैसा होना चाहिए था? नहीं होने दिया। प्लान्स पलटाता है परमेश्वर, प्लान्स तितर पितर करता है परमेश्वर।
ओके, क्या पूरा हो गया फिरौन का मनोकामना? नहीं हुआ। पढ़ने वाले हैं हम, नहीं हुआ। आपको छल करने वाले की मनोकामना पूरी होगी? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ओके, किधर था उसका निशाना? ताकत घटी? नहीं घटी। अत्यंत डर गया उनकी ताकत को बढ़ते देखकर। ओके, शत्रु डर रहा है आपसे, आपके दिन ब दिन आपके ऊपर वो चढ़ाई तो कर रहा है लेकिन वो डर रहा है। ओके, अब आके देखेंगे हम। और जब वह उसे और छिपा न सके, तब उसके लिए सरकंडों की हम एक टोकरी लेकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे इसका क्या हाल होगा। किसने दिया ये सोच? दूर खड़ी रह, ऐ ऐ लड़की दूर खड़ी रह, आराम से, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, चुपचाप जाके छोड़ के आ पानी के अंदर, अब चुपचाप खड़ी रह, देख क्या होगा उसका। ये सोचे हैं, ये हमारा खुदा है, ये खुदा की सोचे हैं। ओके, तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के तीर आई। अब ये इसको क्या जरूरत है नदी के तीर आने की? ओके, खुदा उसको लेके आता है। उसकी सखिया नदी के तीर तीर टहलने लगी, तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। तब उसने उसे खोल कर देखा। ओ शबरा बरा बरा खता न नमा सियांदुरा रिदान नमा सीखा बरा खा शंदरा रदे न नमा खल रबा हो दान दगा बा शंदर बा खासी अबंदगे बर रखे बहा 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 बिहा खुबरा लरो बका सियांदुरा बदी नना सील रबो हो बहा खतीन खिन बर्रा सियांदुरा अब जी का बरा शंदर बौरा बारी बारी गदी ना नमा सील रबास्ता अस्कीर बखों बरो बरो बहाब दीन नमा सील रा सिया तोन किन बर्रा का शांत का बा सियांदुरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ओ माय गॉड, ओ माय सेवियर, ओ माय रिडीमर, माय रिफ्यूज, माय फोर्ट्रेस, माय स्ट्रॉन्ग होल्ड, मेरे मजबूत चट्टान, मेरे छिपने का स्थान, मेरी आशा को टूटने ना देने वाला परमेश्वर यहोवा, तुझे नमन करती हूँ मैं। तेरी महानता को मैं अपने प्रशंसाओं में उठाती हूँ। थैंक यू अब्बा, We love you, Abba. We love you, Yahweh. We love you. We love you. We love you, Jesus. We love you, Yahweh. We love you, Holy Spirit. हम आपसे प्रेम करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से हम बोलते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। अगला हम अगली बार पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको याद रखना है जो मैंने आपको सिखाया। इसके बाद आप कभी दुखी नहीं होना है सताने वालों के कारण। हम और भी आगे पढ़ने वाले हैं लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।